इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में जो है सेडा को कहा था कन्वेंशन ऑफ 1979, ये कन्वेंशन ऑन सफारदी के एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट लॉ को थे, लेकिन उस स्टैंडर्ड के नहीं थे। तो केवल लॉ बना देने से नहीं है, दैट मस्ट बी, चूंकि इंडिया जो है रेटिफाई किया है उस लॉ को, तो दैट मस्ट बी ऑफ द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। कोर्ट ने कहा, इस कोर्ट ने गाइडलाइंस डाउन किया, फिर उसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने तो ये बात बना दिया। ये तो यो सिटी वेज पॉपुलरली पॉपुलर प्लेस ऑफ क्रिस्टल रिबेट सर वृंदावन कैन यू से समथिंग अबाउट द गोल्डन पर्वत एंड परिक्रमा सर गोवर्धन सर गोवर्धन स्पीक समथिंग ऑफ दैट सर लेट अस नो अबाउट दैट यस यू वुड लाइक टू विजिट इफ यू वुड जस्ट यस यस सर सर गोवर्धन सर बेसिकली यहाँ पर गोवर्धन पर्वत जो कृष्ण जी ने अपनी छिंगली उंगली पर उठाया था उसकी बेसिकली वहाँ पर प्रतिमा है जिस पर सर दूध की धार चढ़ाई जाती है और ये माना जाता है कि अगर वहाँ मन्नत मांगी जाए तो वो पूरी भी हो जाती है। सर यहाँ पे परिक्रमा दी जाती है जो कि 21 किलोमीटर्स की परिक्रमा है जिसके दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट जो है उसे चार कोस की परिक्रमा और एक पार्ट जो है उसे तीन कोस की परिक्रमा कहते हैं, टोटल ही सात कोस की परिक्रमा होती है। सर यहाँ पर एक नदी है जिसे मानसी गंगा के नाम से जाना जाता है और वो बहुत पवित्र मानी जाती है। धना पक्षी विहार सर इट इज़ अ केवला देव नेशनल पार्क सर, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया था 1984 में। सर ये फर्स्ट नेशनल पार्क था राजस्थान का जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया था। सर बेसिकली ये पॉपुलर है साइबेरियन क्रेन के लिए, बट सर 2001 के बाद यहाँ पर साइबेरियन क्रेन नहीं आती। इसका एक जो बड़ा रीज़न है वो ये है कि जब अमेरिका ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया था तो सर ये माना जाता है कि जो साइबेरियन क्रेन की जो प्रजाति है वो ख़त्म हो गई थी और जो रास्ता था साइबेरियन क्रेन के आने का वो डाइवर्ट हो गया, तो इस वजह से यहाँ पर साइबेरियन क्रेन अब नहीं देखी जाती पर अब इंडियन क्रेन्स यहाँ आती हैं और फौना और फ्लोरा का सर डेवलपमेंट होता है। सॉरी सर